बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 10 माह रमज़ान मुबारक है, जो कि रोज़े शहादत मुहसना इस्लाम जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। तो आज आपके सामने हाजिर होने का मकसद यह है कि मैं आपको कुछ जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल सुना सकूँ, ताकि आपकी मारिफत में इजाफा हो। तो आप याद रखें कि जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मुहसिना इस्लाम भी हैं, और आपको ताहिरा भी कहा जाता है। आपको ताहिरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप उन कामों को सर अंजाम नहीं देती थी जिनको ज़माने जाहिलियत की औरतें सर अंजाम देती थी। इसके अलावा आपको आलमीन की औरतों की सरदार भी कहा जाता है। आप याद रखें कि आलमीन की औरतों की सरदार चार औरतें हैं। पहली जनाब आसिया, दूसरी जनाब मरियम, तीसरी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, और चौथी जनाब सैयदा फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी माल, जान, इज्जत सब कुछ कुर्बान कर दिया। देखें, जो पहले सबसे पहले माल आता है उसको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बना रहे थे तो लोग उनका मजाक बनाते थे, इसी तरह जब जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई तो लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ताने दिए, मक्का की औरतों ने आपको ताने दिए, लेकिन जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा साबित कदम रही। आपने मुश्किलात का सामना किया और जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। तो आप भी ये याद रखें कि जब आप हक के रास्ते पर आते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप हक के रास्ते पर कायम रहते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शान बयान करते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खदीजा से बेहतर कोई औरत नहीं मिली, और जब तक हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जिंदा रहीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। फिर फरमाया कि खदीजा मुझ पर उस वक़्त ईमान लाई जब लोग कुफ्र इख्तियार किए हुए थे। खदीजा ने तब मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे जुटलाया। खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने उस वक़्त मुझे पनाह दी जब लोगों ने मुझे तर्क कर दिया था। यानी जब इस्लाम पर मुश्किल दौर था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साथ नहीं देने वाला था, तब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इसके अलावा हज़रत खदीजा ने अपना माल जो है वो इस्लाम की राह में सारे का सारा कुर्बान कर दिया। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की सहाबत की तीन खसूसियात थी। पहली खसूसियत ये थी कि आपने माल तब खर्च किया जब कोई खर्च करने वाला नहीं था। दूसरी खसूसियत ये थी कि आम इंसान जब अल्लाह की राह में खर्च करता है तो वो माल का कुछ हिस्सा खर्च करता है, सारे का सारा माल खर्च नहीं करता। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सारे का सारा माल कुर्बान कर दिया। फिर हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की सहावत की तीसरी खसूसियत ये थी कि आपने इतना कुछ खर्च करने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपकी सही मदद और खिदमत का हक अदा नहीं कर सकी। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके नाम पर आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ करवाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूरा जो है वो अपना तारुफ जनाब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से करवाया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दरबारे यजीद में अपना जो तारुफ है वो जनाब हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के नाम से करवाया। इसके अलावा आप जो दुआ नुतबा पढ़ते हैं उसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ये कहकर पुकारते हैं कि ऐ हज़रत खदीजा के बेटे आप कहाँ हैं। तो हज़रत खदीजा जो है वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो सामना किया, लेकिन हमेशा हक पर आप कायम रही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इससे हमें भी ये दर्स मिलता है कि हम भी जो है वो मुश्किल के वक़्त जब इस्लाम के रास्ते पर जो हक का रास्ता होता है उस पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हम भी साबित कदम रहें, हम भी अपने दीन के लिए काम करें। क्योंकि अगर आप दीन के लिए काम करेंगे तो आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसके अलावा जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल का एक मुख्तसर और आसान तरीका ये भी है, जिससे आपकी इंशाल्लाह तमाम मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। आप इनकी मारिफत हासिल करके और दिल में जनाब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की अजमत और नाम को रख कर आप अल्लाह से दुआ मांगें, इंशाल्लाह जो भी आपकी नेक हाजात होंगी वो पूरी होंगी। अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।